किचन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे उत्तराखंड के अलग तरह के पकौड़े। इससे पहले मैंने उत्तराखंड के ट्रेडिशनल पकौड़े भी बनाए हुए हैं, आप वो रेसिपी भी मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने उत्तराखंड की बहुत सारी रेसिपी बनाई है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। सो आज हम बनाएंगे उत्तराखंड के अलग तरह के पकौड़े। ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं, आप इसको स्नैक्स या टी टाइम में खा सकते हैं। सो चलिए बनाते हैं उत्तराखंड के अलग तरह के पकौड़े। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के अलग तरीके के उड़द दाल के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है उड़द दाल। इसको मैंने ओवरनाइट सोख के, आप देख सकते हैं अच्छे से टूट रही है, ये धुली हुई उड़द दाल है। एक बड़ा कप यहाँ पे मैंने प्याज को काटा है, ये दो प्याज को यहाँ पे मैंने काटा है। यहाँ पे मैंने तीन बड़ी हरी मिर्च को काटा है, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और यहाँ पे मैंने ली है सफेद तिल। सफेद तिल की जगह आप काले तिल का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले मैं उड़द दाल का एक पेस्ट बना लेती हूँ। उत्तराखंड में बहुत ही सिंपल रेसिपी बनती है, साथ ही साथ उधर के लोग बहुत सिंपल होते हैं। मैंने इससे पहले उत्तराखंड की उड़द दाल की ट्रेडिशनल पकौड़े भी बनाए थे, अब मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल के पकौड़े बना रही हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे इसका पेस्ट बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा घोल एकदम तैयार है, आप देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल पानी का यूज नहीं किया है, हम इसमें बिल्कुल पानी का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैंने ले ली एक कढ़ाई, उसमें मैंने डाल दिया दो कप तेल के और मैं गैस को जला देती हूँ और कढ़ाई को हम थोड़ा हीट अप होने देते हैं ताकि हमारा तेल थोड़ा गर्म हो जाए। और फ्रेंड, जो बैटर हमने तैयार किया था उसमें मैं डाल दूंगी एक कप प्याज का, जो ट्रेडिशनल पकौड़े बनते हैं उसमें से नमक, लाल मिर्च डलता है, गरम मसाला डलता है और फिर उसको तिल में डाल के तल दिया जाता है। पर ये मैं थोड़े डिफरेंट स्टाइल के बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें प्याज डाला है, कटी हुई हरी मिर्च डाल देती हूँ, गरम मसाला डाल देती हूँ, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ, अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, आधा ही चम्मच नमक डाल देती हूँ, नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं आप, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, एकदम टाइट टाइट। अब मैं अपने हाथों को पानी में डिप कर लेती हूँ और इसको इस तरह कर लेती हूँ और इसमें ऊपर से हम लगा लेते हैं तिल बिल्कुल इस तरह और इसको हम डाल देंगे गरम तेल में। तेल हमारा गरम हो गया तो इसको मैं इस तरह डाल दूंगी तिल लगा के, और इसी तरह तिल लगा के मैं अपने सारे तैयार कर लेती हूँ। आराम से तेल इसमें लगता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों के तेल नहीं लग पाते। गैस को इस टाइम पे हम कर देंगे सिम ताकि हमारे पकौड़े अंदर से पके। तो आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े एकदम सुनहरे हो गए हैं, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, बिल्कुल धीरे से निकालेंगे। उसी मेथड से हम डालेंगे हाथ में थोड़ा पानी लगा के तिल लगा के, सिम में ही तलना है ताकि अंदर से पके।
इसको भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारे उत्तराखंड के अलग तरह के पकौड़े एकदम तैयार है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसको स्नैक्स टाइम में बनाइए और कभी भी बनाइए।